नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज टू मासेस ऑफ 1 kg एंड 2 kg आर अटैच टू एंड्स ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली ऑफ नेग्लिजिबल वेट द पुली इटसेल्फ इज अटैच टू अ लाइट स्प्रिंग बैलेंस एज शोन इन द फिगर द मासेस स्टार्ट्स मूविंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल बी हमारे ऑप्शन है मोर देन 3 kg लेस देन 3 kg या फिर इक्वल टू 3 kg या नन ऑफ द अबव नाउ सिंपल सवाल है ज़्यादा कुछ कहानी है नहीं इसमें हमें यहाँ पे जो 2 kg और 1 kg का ब्लॉक जो लग रहा है उसकी वजह से यहाँ पे आपकी एक टेंशन आएगी और यहाँ पे जो आपका FSP होएगा वो टी डैश के बराबर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2T ये बात हमें थ्योरी से पता है जहाँ पे हमने टेंशन और एक्सेलेशन की वैल्यू कैलकुलेट की थी ठीक है वी कैन यूज़ द सेम रिजल्ट सो उसको हम थ्योरी में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यहाँ सवाल सॉल्व करते हैं दोबारा करने की मेरा ख्याल है ज़रूरत है नहीं तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू आती है उसको हम लिखते हैं ट्वाइस M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 G और विच इम्प्लाइज आपका FSP या जो टी डैश आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2T यानी कि हो जाएगा 4 M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 G नाउ इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं सो टी डैश जो है जो आपकी यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स में जो रीडिंग आएगी दैट विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू 10 यानी कि और ये 10 को हम एक काम करते हैं जी के टर्म में ही रखते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 3 तो यहाँ जो रीडिंग आ रही होगी आपकी वो 8 बाय 3 आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2.66 kg वेट सो एंड दैट इज इक्वल टू लेस देन 3 kg एंड हेंस ऑप्शन नंबर 2 लेस देन 3 kg वुड बी द राइट आंसर अगर आपको ये थोड़ा सा डाउट है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो इसका FBD बना के हम एक बार कर सकते हैं बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप फॉर्मूला याद रखें तो इसका FBD बनाएंगे तो इस केस में हम लिख सकते हैं टी माइनस M1G इज इक्वल टू M1A इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप इसको लिखेंगे M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A इन दोनों को अगर आप माइनस कर दें तो आपका मतलब ऐड कर दें तो टी की सुपारी हो जाएगी एक्सेलेशन आ जाएगा उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आप टी के इस फॉर्मूले पे पहुँच जाएंगे ऑलराइट बट अगर फॉर्मूला याद रहेगा सो यू विल सेव टाइम इन योर फाइनल एग्जाम